हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमयू ऑफिस। नाम दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं। और ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक है ऑफ आलिया भट्ट फ्रॉम द मूवी कलंक। एंड उनका जो नया सॉन्ग आया है घर मोरे परदेस, उससे ये इंस्पायर्ड लुक मैंने क्रिएट किया है। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज किया है फेसेस का अल्टाइन प्रो प्राइमर, एंड ये बहुत ही अच्छा क्रीम बेस्ड प्राइमर है। सो इसे मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड आप जैसे देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से पोर्स को ब्लर आउट कर देता है एंड मिनिमाइज कर देता है पोर्स को, ताकि फाउंडेशन आपके पोर्स में ना जा सके एंड फाउंडेशन आपके स्किन के लेयर पे रहे एंड बहुत ही फ्लॉलेस दिखे। सो मैंने इसे अच्छे से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया यूरोप गर्ल का ये कंसीलर। बहुत ही अच्छी कंसीलर स्टिक है ये, एंड आई थिंक इसे आप अपने पूरे फेस पे भी यूज कर सकते हो। सो इसे मैंने अपने आईज पे यूज किया है एज अ आई प्राइमर, एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है यूरोप गर्ल पैरिस का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इसे मैंने जो कंसीलर अप्लाई किया था उसे अच्छे से सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ एनवाई बे का ये काजल द बिग एप्पल ऑफ माई आई, एंड इसे मैं अपनी लैश लाइन के पास लगा रही हूँ, यानी अपर लैश लाइन के बिल्कुल क्लोज अप्लाई कर रही हूँ। हल्का हल्का सा अप्लाई करूंगी दोनों लैश लाइन पे, एंड उसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्पर्ज कर लूंगी। अब नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये पैलेट, एंड इसमें से मैंने पिक किया है लाइट ब्राउन शेड, एंड इसे मैं अपनी पूरी आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि अपनी आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ, अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड जो ब्लैक कलर मैंने पहले अप्लाई किया था उसके साथ अच्छे से स्मच कर लूंगी। तो स्मजिंग करते वक्त आपका जो ब्लैक या ब्लैक जो आपने काजल लगाया था वो हल्का सा लाइट हो जाएगा, तो डोंट वरी, हम उसे बाद में वापस थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो ब्राउन शेड है इसको थोड़ा आईज पे अच्छे से अप्लाई करें, थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करें, ताकि ये क्रिएट करने के बाद जो लुक है आपका बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने मिस क्लेयर की ये आईब्रो किट ली है, एंड आज मैंने आईब्रोज को थोड़ा सा थिन फिल इन किया है, बिकॉज आलिया भट्ट की जो आईब्रोज थी वो बहुत ही थिन लग रही थी मुझे पिक में। सो मैंने आज आईब्रोज बिल्कुल थिन फिल इन की है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है फिटमी का ये फाउंडेशन, माय फेवरेट फाउंडेशन, एंड इसे मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। सो ये फाउंडेशन इस वजह से मैं अपना फेवरेट कह रही हूँ, बिकॉज बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जो भी पिगमेंटेशन होती है, स्कार्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उनको अच्छे से ये हाइड कर देता है। इस वजह से पता नहीं ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, एंड इसके साथ वो मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। सो सेम काजल को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं थोड़ा सा थिक कोट अप्लाई करूंगी, जो नेचुरली हम काजल अप्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा थिक अप्लाई करना है। ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से, ताकि बाद में ये काजल मेरा फैल ना जाए एंड मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग रहे एज इट इज रहे। सेम काजल को मैं अपनी अपर लैश लाइन पे वापस अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज जो हमने ब्राउन आई शेडो यूज किया था उसकी वजह से जो हमने पहले ब्लैक काजल अप्लाई की थी वो थोड़ी सी लाइट हो गई है। सो सेम वापस अप्लाई कर लूंगी, एंड सेम ब्रश की हेल्प से वहां पर स्मच कर रही हूँ, ताकि जो ब्राउन आई शेडो है एंड ब्लैक काजल है वो दोनों अच्छे से साथ में स्मच हो सके एंड कोई भी लाइन क्रीज ऐसा कुछ दिखे नहीं। अब मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये मेगा प्रोटीन मस्कारा, एंड क्योंकि मुझे कोई फेक लैशेस दिख नहीं रही थी पिक्चर में, तो मैंने कोई फेक लैशेस अप्लाई नहीं की है। बस मैंने इस मस्कारा का काफी अच्छा कोट अप्लाई किया है अपने दोनों लैश लाइंस पे, यानी अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद मैंने लैक्मे का ये ब्लश यूज किया है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज माय फेवरेट, लेकिन ये अब मिलना बंद हो चुका है। सो ये मैंने बहुत ही अच्छे इसे मैं कॉन्टोर की तरह भी यूज करती हूँ, ब्लश की तरह भी यूज करती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से मैंने इसका कॉन्टोर की तरह यूज किया है इस वीडियो में, एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। मैंने काफी ट्राई की इसे सर्च करने की, बट ये मुझे ऑनलाइन अभी कहीं दिख नहीं रहा है, अदरवाइज मैं आपको लिंक जरूर से प्रोवाइड करती। इसके बाद मैंने यूज किया है लैक्मे का ये शिमर हाइलाइटर, ऑब्वियसली इससे मैंने जो डार्क ब्राउन शेड्स थे उसको पिक किया है, एंड जहां पर मैंने वो कॉन्टोर अप्लाई किया वहां पर मैं इसको हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा शाइनिंग देने के लिए, बहुत ज्यादा आपको रेड क्रिएट नहीं करना है वहां पे। तो देख सकते हो मैंने बहुत हल्का हल्का सा नोज पे अप्लाई किया है, ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए। लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ यूरोप गर्ल के लिपस्टिक शेड, एंड सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। लिपस्टिक अप्लाई करेंगे एंड इसी के साथ हमारा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, लुक बिल्कुल कंप्लीट है एंड बहुत ही क्लोज क्रिएट किया था मैंने। यस आई नो, थोड़ा सा दुपट्टा सही नहीं है, आलिया भट्ट का जो दुपट्टा था वो नेट का था एंड मुझे नेट का दुपट्टा जल्दी नहीं मिला, बट मुझे लुक जल्दी से क्रिएट करना था, सो मैंने इसी दुपट्टे के साथ कर दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आज के वीडियो को करती हूँ यही खत्म, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।